डायबिटीज और लैंगिक कठोरता, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। डायबिटीज के लोगों को बहुत प्रॉब्लम है लैंगिक कठोरता का, और बहुत ज्यादा लोगों में दिखती भी है लैंगिक कठोरता, रहती भी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर। हमारे देश में डायबिटीज अंदाजन 1,10,00,000 लोगों को, ऐसा इंडियन मेडिकल रिसर्च का रिपोर्ट है। 1,10,00,000 और करीब करीब उतने ही, मतलब 1,10,00,000 लोग ऐसे अवस्था में हैं, ऐसे कंडीशन में, उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन, कि जिनको डायबिटीज कभी भी हो सकता है। मतलब करीब करीब 1-2% लोग डायबिटीज वाले हैं हमारे देश में। अभी ये लोगों का डायबिटीज से क्या होता है, डायबिटीज से ब्लड वेसल्स, नर्व्स और मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, इसके ऊपर दुष्परिणाम होता है, दुष्प्रभाव होता है। इरेक्शन के लिए क्या जरूरी है, इरेक्शन के लिए 4 चीजें बहुत ही जरूरी है। 1 डिजायर, 2 टेस्टोस्टेरोन, 3 इंटैक्ट नर्व्स, नसें, नस, 4 ब्लड वेसल्स। ये यदि बराबर है तो आपका इरेक्शन आने का चांस फुल मिलता है, फुल रहता है। अभी समझो डायबिटीज वाले व्यक्ति को इच्छा भी है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छी है, मगर यदि डायबिटीज की ट्रीटमेंट उसने ली नहीं होंगी, मालूम ही नहीं है बहुत लोगों की डायबिटीज है, एक दिन अचानक वो टेस्ट करते मालूम पड़ता है कि बाप रे डायबिटीज है, और जिनको है उनको भी कि भाई टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, इच्छा भी बहुत है, मगर उनके डायबिटीज की वजह से ब्लड वेसल्स जो है, मतलब खून की नलियाँ, वो डैमेज हो चुकी है और नर्व्स डैमेज हो चुकी है। ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, वो काम नहीं कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो डेफिनेटली डायबिटीज वाले लोगों को इरेक्शन आने में कठिनाइयाँ होंगी, दिक्कत होंगी, इरेक्शन नहीं आएगा। डायबिटीज में 35-75% लोगों को समटाइम और देर, कभी ना कभी उनके जीवन में इरेक्शन का प्रॉब्लम आने वाला ही है, ये समझ के चलो, क्योंकि कंट्रोल होता नहीं डायबिटीज, लोग खाते रहते हैं शुगर। और 10-15 साल जल्दी प्रॉब्लम आएगा इरेक्शन का, मतलब एक आधे व्यक्ति को 65 साल में समझो इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है, तो डायबिटीज वाला व्यक्ति होगा तो उसको 50 साल में इरेक्शन का प्रॉब्लम आ जाएगा। 10-15 साल जल्दी इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है, कठोरता आती नहीं है। अलग स्टडी में ऐसा बोला गया है, ऐसा पाया गया है कि 50 साल के ऊपर जो लोग हैं जिनको डायबिटीज हुआ है और 50 साल की उम्र है, उसमें से करीब करीब आधे लोगों को, मतलब 50-60% लोगों को लैंगिक कठोरता का प्रॉब्लम है, उनको लैंगिक कठोरता आती नहीं है, इरेक्शन आता नहीं है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और वो सेक्स नहीं कर पाते। 70 साल के ऊपर डायबिटीज का व्यक्ति और 70 साल की उम्र है, तो 70 साल के ऊपर करीब करीब सभी लोगों को इरेक्शन का प्रॉब्लम है जिनको डायबिटीज है। 95% लोग, मतलब पूरे हो गए ना 100, 95% ये स्टडी बोलती है, 95% लोगों को लैंगिक कठोरता आती नहीं है। तो फिर क्या, एक तो क्या है कि आपने रेगुलरली, मतलब आपके माँ बाप यदि डायबिटिक है तो डेफिनेटली जितना हो सके उतना जल्द से जल्द ब्लड टेस्ट करना चाहिए कि भाई आपको डायबिटीज है क्या, और कंट्रोल में रखना चाहिए। 1, हर दम का 40 साल के बाद में तो हर 6 महीने में टेस्ट करना चाहिए डायबिटीज है क्या, तो और कंट्रोल करना चाहिए। शुगर लेवल जो है वो भूखे पेट 100 से नीचे होना चाहिए, भूखे पेट 100 से नीचे, और खाना खाने के बाद में 140 से नीचे, तभी आपकी नर्व्स बचेगी या ब्लड वेसल्स बचेंगे। और समझो ये ऐसा होता है तो दवाइयाँ हैं, टाडालाफिल, वर्दानाफिल, एवानाफिल, सिलडानाफिल, ये दवाई खाओ और उससे काम हो जाएगा। मगर अक्सर ऐसा होता है कि डायबिटीज वाले लोगों को हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है। अब हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो उसकी दवाई चालू है, ब्लड प्रेशर की दवाई चालू है, हार्ट की दवाई, हाथ का झटका आया हुआ है या एस्पिरिन की गोली चालू है, तो उसमें फिर ये सिलडानाफिल जैसी दवाइयाँ हम दे नहीं सकते हैं। फिर ऐसे समय क्या करना है, तो ऐसे समय फिर लोकल इंजेक्शन है, लिंग में इंजेक्शन देना पेपेवेरिन का, तो लिंग में इंजेक्शन देना है। और आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, जैसा डायबिटीज व्यक्ति इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, वैसे ही ये इरेक्शन का प्रॉब्लम है तो आपने लिंग में इंजेक्शन लेने का है, ताकि कठोरता, लैंगिक कठोरता आएगी और अपनी जो सेक्सुअल डिज़ायर है, अपनी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। जिनको लिंग में इंजेक्शन लेना नहीं, उनके लिए वैक्यूम डिवाइस है, तो वैक्यूम डिवाइस से भी लिंग बड़ा हो सकता है, कठोरता आ सकती है, तो वो कर सकते हैं। और कुछ स्टिम्युलेटर्स मिलते हैं, वाइब्रेटर्स मिलते हैं,
जिससे वाइब्रेशन होता है और एक्साइटमेंट आ सकता है, ऐसे कुछ वाइब्रेटर्स लगेगा और उससे भी आपको इरेक्शन आने में मदद होगी। ज़्यादातर टाडालाफिल से इतना बहुत ज़्यादा फर्क हार्ट के ऊपर होता नहीं जितना सिलडानाफिल का होता है, तो आप टाडालाफिल ले सकते हैं, वरदानाफिल ले सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसा मैंने बताया कि डायबिटीज़ वाले लोगों को, आधे लोगों को, 50 के ऊपर आधे लोगों को तो ये प्रॉब्लम आना ही है इरेक्शन का, तो फिर पहले से ही आप कंट्रोल में रखो डायबिटीज़ को, और बाकी जो आदतें हैं वो भी ना करो। और बाकी आदतें कौन सी है इरेक्शन के प्रॉब्लम में, तंबाकू, शराब, ज़्यादा वजन, नींद बराबर लेना, मतलब मोटापा कम करना, वजन कम, नींद बराबर लेना, रेगुलर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली बाकी सभी जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल रहेंगे और इरेक्शन डायबिटीज होने के बाद में भी अच्छा रहेगा। लोगों को डायबिटीज सालों साल रहता है, डायबिटीज़ कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है, मगर डायबिटीज से जो प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम कंट्रोल करने के लिए आपने मीठा खाना ही बंद करना चाहिए। मीठा खाने को ही नहीं होना, और जिसमें ज़्यादा ग्लूकोज है वो पदार्थ भी नहीं खाने को होना। आपका वैवाहिक जीवन या सेक्सुअल लाइफ डायबिटीज होने के बाद में भी अच्छा जी सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।